दोस्तों आज हमारे पास है Vivo X80 और आपको पता होगा ये जो मोबाइल है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर आप इसके 50,000 रुपये दे रहे हो या आपने दे दिया है, आपने ख़रीद लिया है, तो आज मैं आपको इसके ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जिनको जानकर जो आपके 50,000 है ना वो वेस्ट नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको मोबाइल को चलाने में और काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लगेगा आपका जो मोबाइल है अगर आप इन हिडन फीचर्स को जान लेते हो। तो इनको जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना होगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताते हैं आपको मज़ेदार हिडन फीचर्स। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताता हूँ जिससे आपका जो मोबाइल है आपको पता होगा कर्व डिस्प्ले है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अगर इसको ऑन कर लेते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और जब आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और आपने देखा होगा यहाँ पे नॉर्मल तो सभी मोबाइल्स के अंदर रहता है पर यहाँ पर जब आप एम्बिशन लाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे म्यूज़िक का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आपके म्यूज़िक बज रहा है तो आपको यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह की लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है। ये देखिए अपनी मर्जी से इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हुए देख पा रहे होंगे, शायद आपको नहीं दिख रहा साइडों में, ये देखिए। तो यहाँ पे जब भी आपके कोई म्यूज़िक वगैरह बजेगा तो यहाँ पे साइड में ऐसी लाइट्स आती रहेगी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका मोबाइल, ये देख रहे हो। तो इनको अप्लाई कर सकते हो और इसको ऑन कर लीजिए यहाँ से। और दोस्तों यहीं पर नीचे इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है, जब आपके कॉल आता है तो आपको कौन सी लाइट चाहिए, ये देखिए आपके कुछ इस तरह से आ रहा होगा अभी यहाँ पे, और आप चाहते हो कि मुझे ये लाइट चाहिए, ये देखिए काफ़ी तगड़ा दिखेगा आपका मोबाइल क्योंकि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है कर्व डिस्प्ले के अंदर। तो आप इनमें से किसी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है और यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर लीजिए। और अगर नीचे जाते हैं तो आपके कोई नोटिफिकेशन आता है तो अगर आपको ये लाइट चाहिए तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी लाइटें देखने को मिलती है। तो इनको भी आप अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करके अप्लाई कर लीजिए, तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। और अगर यहाँ पर ही बैक जाए तो यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन ट्रांजिशन का भी एनिमेशन मिलता है, यानी कि अभी आपके कुछ इस तरह से है या अगर आपके नॉर्मल होगा पर ये देखिए काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिलते हैं। ये देखिए जब भी यहाँ पर आप ये देखिए होम स्क्रीन के ऊपर आते हो तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर देखते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन। जब भी आप होम स्क्रीन पर आते हो अनलॉक करके मोबाइल को तो अभी आपके नॉर्मल है पर आप देखिए यहाँ पे आओगे तो कुछ इस तरह से या इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं जिससे मोबाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी आप अनलॉक करते हो। और यहीं पर इसी के नीचे फिंगर आइकन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी आपके कुछ इस तरह से है तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पर आपको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए यहाँ पर आपके अभी लॉक का निशान है तो आप इसको स्माइल कर लीजिए क्योंकि ज़िंदगी जो है ना पूरी लॉकअप के जैसे हो चुकी है तो इसको स्माइल करके बस हंसिए खुश रहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जब आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता रहता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलता होगा आपको, तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ करके ये देखिए ये कर सकते हो, काफ़ी तगड़ा दिखता है, ये मेरा फेवरेट है तो यहाँ पर इसको भी आप अप्लाई ईजिली कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर कर लीजिए। और आपने देखा होगा जब आप चार्ज लगाते हो मोबाइल को तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तो आप इसको भी कस्टमाइज़ करके ये कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर लीजिए। और अगर बैक चले यहाँ पर तो ये देखिए यूएसबी इंसर्टेड एनिमेशन, यानी कि जब आप यूएसबी लगाते हो पेन ड्राइव वगैरह इसके अंदर लगाते हो तो इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है। और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन का भी ऑप्शन मिलता है, आप जब स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो यहाँ पर नॉर्मल सा आपको दिखता होगा पर ये देखिए जब भी आप ऑन करोगे ये देखिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगता है इससे मोबाइल, जब भी हम ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर मूड फ्रेश सा हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है, यूआई कलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआई के कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर करना है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ बताता हूँ, वो ये कि आप चाहते हो कि हमारे जो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं जितने भी हिस्ट्री होती है हमारे नोटिफिकेशन की वो हमारे पास सेफ रहे, जैसे कि हमने इसको क्लियर कर दिया तो यहाँ पे ये चला जाता है, कोई भी व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं का भी नोटिफिकेशन हमसे क्लियर हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। पर आप चाहते हो कि मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, मतलब एक महीने के बाद भी अगर मैं चाहूँ तो उसको देख सकूँ कि क्या नोटिफिकेशन आया था, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसको टैप करके रखना है और यहाँ पर होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ पे गया, ये देखिए
ऐप आइकन बेजेस, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो और ये देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और इसको ऑन कर लेते हो, अब यहाँ पर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ऐप है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपके फ़ोन पे वगैरह किसी भी चीज़ की हिस्ट्री होती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नीचे ही आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि जब भी आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं लॉक स्क्रीन पे शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपकी कोई स्क्रीन ऑन वगैरह नहीं होती है तो यहाँ पर वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन करोगे तो यहाँ पर जब भी आपके कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जो स्क्रीन है यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और ये देखिए हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन स्टेटस बार, आप चाहते हो कि स्टेटस बार के अंदर आपके जो नोटिफिकेशन शो ना हो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई, आप चाहते हो अगर इनको तो ऑन कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके नोटिफिकेशन रहेगा वो नंबर्स के अंदर रहेगा, तो आप चाहते हो डॉट के अंदर या डिस्प्ले इन्हें बिल्कुल नहीं दिखना है तो आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो यहाँ पर आपकी सेटिंग्स है, तो आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल के ऊपर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिसेंट ऐप्स को क्लिक करना है। ये देखिए अब हम वापस कॉल के अंदर आ गए, अब वापस सेटिंग्स के अंदर आ गए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आप इसके अंदर आ सकते हो। यहाँ पे आपको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आ जाओगे। और यहाँ पर अभी जो आपके ये जो हो रहे हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ और भी कुछ ओपन करके ऐप्स वगैरह, जैसे कि हमारे जो ऐप्स हैं ये कुछ इस तरह में हो रहे हैं अभी, ये देख पा रहे हो। आप चाहते हो कि मुझे इस तरह से दिखाना है तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए फिर आप इनको क्लियर कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता ऐसे, ये देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल करना चाहते हुए अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमारी जो डिस्प्ले है हम मोबाइल को बंद भी कर दें तो यहाँ पे क्लॉक वगैरह शो होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम ऑन कर लेते हैं। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप क्लॉक वगैरह चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्लॉक चाहते हो या ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे यहाँ पर सनसेट का, ये देखिए बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज़ें। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने अप्लाई कर लिया तो ये देखिए हमने मोबाइल को बंद कर लिया और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होने का लग चुका है। तो यहाँ पे जो अलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, यहाँ पे सभी मोबाइल से यूनिक दिया गया है। इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे और भी मोबाइल्स होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो प्लीज़ इंटर टेक्स्ट है यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, और ये देखिए अब यहाँ पे अलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर अपना नाम शो होगा यहाँ पे। और यहाँ पर हम चाहे तो टाइम वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो यहाँ पे टाइम वगैरह पूरी डिटेल रहे तो भी आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये देख सकते हो, यहाँ पे टाइम कुछ इस तरह से देखना चाहते हो, और यहाँ पर कलर्स के अंदर भी इसको कर सकते हो। आप यहाँ पर जो अपने नाम लिखा था उसको कलर के अंदर, उसके साथ लोकेशन वगैरह यहाँ पर पूरी डिटेल में देख सकते हो। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब हम जब इसको यहाँ पे करेंगे, ये देखिए टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, बैटरी के परसेंटेज वगैरह। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी आप ऑन कर सकते हो और जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे इसको रख लीजिए। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह को भी हम कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे कि हमें कौन सा नोटिफिकेशन शो होना चाहिए यहाँ पे, कॉल वगैरह का, फेसबुक वगैरह का, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पर मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यूआई कलर मैंने बता दिया। और अगर हम चलते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर हम हमारा नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं और इसको ओके करेंगे तो जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पर अपना यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप किसी का भी नेम वगैरह लिख सकते हो, पर अगर मैं मेरी पर्सनल राय दूँ तो यहाँ पर आपको किसी के नंबर लिख देने, जैसे कि घर के या अपने दोस्त के, क्योंकि अगर मोबाइल कभी गुम हो जाता है तो कोई भी अनलॉक करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट उसके पास नंबर्स रहेंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपको कॉल कर देगा कि भाई ये मोबाइल आप हमारे पास है, कहीं भी हो तो ले जाओ। तो क्योंकि काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं तो यहाँ पे आप इजीली अपने नंबर या कुछ भी लिख सकते हो, वैसे अपनी मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और दोस्तों यहीं पर अगर आपको लगता है कि जैसे कि ये ऐप्स हैं यहाँ पे आपके जो बच्चे वगैरह उनको साइड में कर देते हैं बार बार, जो भी आप यूज़फुल ऐप्स यहाँ पे रखते हो, तो इनको भी आप लॉक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होम सेटिंग्स के अंदर जाना है, लॉक लेट को यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको कोई भी हिला नहीं सकता, ये देखिए लॉक हो चुका है, अब कोई भी यहाँ पर इसको यहाँ पर हिला के दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकता। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार हमारे बच्चे वगैरह मोबाइल को छेड़ते हैं ज़्यादा, इधर उधर कर देते हैं, तो इसको आप ऑन कर लीजिए।
और ये देख पा रहे होंगे गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हम इधर जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे गूगल दिखने लग जाता है, यहाँ पे कुछ भी आ जाता है। आप चाहते हो कि इसको गूगल को हटाना है तो आप इसको इजीली हटा भी सकते हो। जैसे कि आपको यहीं पे जाना है होम सेटिंग्स के अंदर और ये गूगल डिस्कवर को मैंने हटा लिया, अब ये देखिए इधर शो नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो गूगल डा यहाँ पे शो हो और ना शो हो तो आप इसको ओपन यहाँ पे ऑन या ऑफ इजीली कर सकते हो। और दोस्तों यहीं पर होम सेटिंग्स के अंदर ही आपको ये देखिए राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो ये जो आपके ऐप्स वगैरह हैं कुछ इस तरह से हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे इनको ऐसे शो होना है तो इनको ऐसे भी कर सकते हो, और अभी यहाँ पे लार्ज है, आप चाहते हो स्मॉल हो तो स्मॉल भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे वापस वैसा ही करना है तो रिस्टोर तो यहाँ पे डिफॉल्ट कर लीजिए, यहाँ पे जैसे था वैसे का वैसा हो जाएगा। और आप चाहते हो जो यहाँ पे आपके हॉट गेम्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ये जो हॉट गेम्स वगैरह हैं इनको आप हटाना चाहते हो, ये देखिए हॉट गेम्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ये मतलब मोबाइल के यहाँ पे शो बिगाड़ देते हैं, तो यहाँ पे होम सेटिंग्स के अंदर आके ये हॉट गेम्स को यहाँ पे हाइड कर दो, तो यहाँ पे ये गायब हो चुके हैं आपके मोबाइल से। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जैसे भी अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हो कि हमारे जो बैटरी के परसेंटेज वगैरह है, हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है ये शो होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आने के बाद ये देख पा रहे होंगे स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो ये देखिए बैटरी के परसेंटेज यहाँ पे शो होने लग चुके हैं। डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करते हैं तो यहाँ पे कितनी एमबी पर सेकेंड से आपका जो इंटरनेट चलता है ये भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आइकन मेथड, यानी कि आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो आइकन के अंदर दिखेगा। आप चाहते हो उसको नंबर्स के अंदर रखना है तो यहाँ पे नंबर्स के अंदर कर दीजिए, फिर यहाँ पे आइकन का शो लोगो शो नहीं होगा, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज वगैरह इजीली शो कर सकते हो। और यहीं पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ही यूजफुल चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा आई प्रोटेक्शन, अगर आप कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ते हो मोबाइल के अंदर या ज़्यादा यूज़ करते हो तो आई प्रोटेक्शन को जरूर ऑन कर दीजिए, इससे आपकी आँखें खराब नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन के कलर्स भी चेंज कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगता है। ये देखिए आप जब भी यूज़ करते हो ज़्यादा मोबाइल को तो इससे आँखों पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, ब्राइट करना चाहते हो प्रोफेशनल या डिफॉल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक जैसा था वैसा हो जाएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप बदल सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ भी बढ़ा सकते हो, आप डिस्प्ले की साइज़ बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आपने सुना होगा कि जो वीवो X80 की 120 हर्ज है, पर यहाँ पर क्या होता है आपको इस पे 120 हर्ज पे कर लेना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अब अगर आप मोबाइल चलाते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाने के अंदर। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इसको 120 हर्ज पे कर लीजिए, पर इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, तो आप चाहते हो बैटरी बचाना तो यहाँ पे 60 हर्ज पे इसको कर लीजिए, और आप चाहते हो कि मुझे स्मूथ चलाना है तो 120 हर्ज या आप स्मार्ट स्विच पे भी कर सकते हो। और अगर बैक आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए विजुअल इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको जब ऑन करते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने यूट्यूब को नेटफ्लिक्स को यहाँ पे परमिशन दी है, तो यहाँ पर जब आपकी जो मूवीज़ वगैरह देखते हो तो काफ़ी अच्छे से दिखेगा। ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको शो हो रहा है, यहाँ पे बादल वगैरह को काफ़ी अच्छे से इन्हेंस कर दिया गया है, आप जो भी यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह देखोगे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मज़ा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि यार अपने जो मोबाइल की आवाज़ हमने पूरी कर दी है फिर भी यार कम लगता है कि यार हमें आवाज़ कम है, हमारी आवाज़ और तेज़ होनी चाहिए, तो इसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देख पा रहे होंगे साउंड का ऑप्शन मिलता है, और इसके हिसाब से नीचे आ जाना है सबसे लास्ट के अंदर साउंड क्वालिटी एंड साउंड यहाँ पे प्रोफाइल्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए ऑडियो सुपर रिजोल्यूशन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना तो और इसको ऑन कर लेते हो तो जब भी आप यहाँ पे वीडियो या कोई भी देखते हो जिसकी लो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी तेज़ होगी। पर अगर आप चाहते हो यहाँ पे साउंड तेज़ हो तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक आना है और यहाँ पे लिसनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर लेना है, और ईयर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है इसको ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे अंडर 30 ईयर ओल्ड है आप अबाउ 60 ईयर ओल्ड कर लीजिए, एक बार आप जाकर ट्राई कर सकते हो। इससे जो आपकी आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि X80 को लगेगा कि आप 60 साल के ऊपर हो, और फिर वो जो 60 साल के ऊपर है जो बंदे होते हैं उन्हीं के जैसे आपको साउंड क्वालिटी देगी, काफ़ी तेज़ यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे साउंड देगा। आपको लगता है कि अपने मोबाइल की आवाज़ कम है तो आप इसकी हेल्प से इसकी आवाज़ बढ़ा भी सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीचे बटन्स हैं, अब इतना भारी हमने मोबाइल लिया है पर ये बटन्स वगैरह अच्छे नहीं लगते स्क्रीन के अंदर, आप इनको हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है सिस्टम के अंदर, और ये देख पा रहे होंगे नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर जो 3 बटन्स है अगर आप चाहते हो इनको लेफ्ट राइट करना चाहते
चाहते हो तो लेफ्ट राइट कर सकते हो। अगर पूरा हाइड करना चाहते हो तो गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक कीजिए। अभी आपके बटन पूरे हाइड हो चुके हैं, पूरा यहाँ पे आईफोन की लुकिंग दे रहा है। और यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, आपको बैक वगैरह जाना है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो बैक आ जाएगा। और यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है ऐसे बैक वगैरह करने में, और इधर से करोगे तो भी बैक आ जाएगा। और अगर आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो ऐसे कीजिए, होम स्क्रीन पर चला जाएगा। और रेसेंट्स एप्स वगैरह देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके रखना है, ये रेसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है ऐसे करते हो तो आपको जो भी अच्छा लगता है इसको एडजस्ट कर लीजिए। और अगर आपको फिर से थ्री बटन्स करने हैं तो थ्री बटन्स पर क्लिक कीजिए, ये थ्री बटन्स आ चुके हैं और इनको आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन से, पर इसके अंदर हम थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया, एक बार आप स्टार्टिंग में लोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि हम कितना भी बड़ा लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितनी भी हमारी सेटिंग्स वगैरह। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा स्क्रीनशॉट लिया और इसको सेव किया, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे इजीली देख सकते हो पूरा स्क्रीनशॉट एक ही यहाँ पे इमेज के अंदर आ चुका है। तो आपको बार बार काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फ़ोटो के अंदर आप ये देखिए इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट, इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो या कुछ भी एडिट करना चाहते हो, स्टिकर्स वगैरह, तो आप इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो, ये फ़नी भी बना सकते हो, ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे दिल वगैरह लगा सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पे Vivo X80 ने। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे दो ऐप साथ में यूज़ करने हैं, जैसे कि मैसेज को ओपन कर लिया मैंने, अब यहाँ पे थ्री फिंगर से आपको ऊपर करना है और यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर करने के बाद YouTube को ओपन कर लीजिए, तो ये YouTube ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप वीडियोस भी देख सकते हो, यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, जैसे कि WhatsApp वगैरह पे आप कुछ भी चैट वगैरह करनी है और वीडियो भी देखना है आपको, तो एक साथ में दो ऐप्स और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो, छोटा या बड़ा, यानी कि आपको YouTube थोड़ा कम रखना है, चैट वगैरह वाला ज़्यादा रखना है, तो इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो अगर आप दो ऐप्स साथ में यूज़ करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के जब भी कॉल आता है तो उनके जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाती है। तो आपके मोबाइल में ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है और यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, अब इसको ऑन कर लीजिए। अब आपके जब भी कोई कॉल आएगी तो यहाँ पर जो आपकी फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाएगी। और एक चीज़ और बता दूँ मैं यहीं, पर आप चाहते हो कि यार आप वीडियो कॉल करते हो, इतनी ब्यूटी वगैरह नहीं है आपके मोबाइल कैमरे के अंदर, तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इसके लिए बैक जाना है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसको ऑन कर लीजिए। जैसे कि अभी मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, अगर आपके हैं तो व्हाट्सएप के यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी, तो इसको जब ऑन करते हो तो यहाँ पे जब आप वीडियो कॉल करोगे ना तो काफ़ी गोरे चिट्टे लगोगे फेस पर, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगोगे, तो इसको भी आप ऑन कर लीजिए अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा मतलब बढ़िया दिखना है, यहाँ पर कोई भी फिल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों X80 के जितने हिडन फीचर बताए उतने ही कम हैं, तो मैं अब आखिरी के कुछ बता देता हूँ, और अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं और भी काफ़ी सारे हिडन फीचर्स आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आपको कॉल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको पता होगा, आप जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो अगले वाले को पता चल जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। आप जब भी कॉल करोगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो अगले वाले को पता चल जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर अगर मैं आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जाना है और फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन मिलता है, इसको आप जब ऑन करते हो तो यहाँ पर जब भी आपके कोई कॉल आएगी और अगर आप मोबाइल को ऐसे रख दोगे तो आपका जो मोबाइल है साइलेंट हो जाएगा, फ़ोन कटेगा नहीं बस साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर ऑफिस वगैरह में आप काम करते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर आपके जो भी कॉल आए यहाँ पे आपको पता रहे कि यार कोई फेक कॉल तो नहीं है, तो यहाँ पे वेरीफाइड और यहाँ पे फिल्टर स्पैम कॉल को यहाँ पे ऑन कर लीजिए। अब आपकी जब भी कोई कॉल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी कॉल है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, आपको इजीली पता चल जाएगा, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप चाहते हो हमें कैमरा फीचर्स वगैरह चाहिए या और भी आपको X80 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।